हाय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की हमारी स्टोरी है टू सिल्ली गॉट्स, यानी दो मूर्ख बकरियां। हो सकता है आप ये स्टोरी बचपन में छोटी क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन आज ये मुद्दा है इंग्लिश सीखने का। ओके, सो इंग्लिश की रीडिंग पे, इंग्लिश का हिंदी में कैसे अनुवाद करते हैं, इन तमाम बातों पे आपको ध्यान देना है। ओके गाइस, सो टाइम को ध्यान में रखते हुए चलिए हम फटाफट इस छोटी सी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो इसका टाइटल है वो मैंने आपको बताया, टू सिल्ली गॉट्स। सिल्ली मतलब मूर्ख, तो दो मूर्ख बकरियां। देयर वॉज अ रिवर, एक नदी थी। ठीक है, देयर वॉज अ रिवर, एक नदी थी। देयर वॉज अ ब्रिज, एक पुल था। ब्रिज यानि पुल, इसमें डी साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे ब्रिज, ब्रिज ना कि ब्रिड्ज, ब्रिड्ज। ओके, ये गलत है, इसलिए ध्यान रखें यहाँ पर डी साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे ब्रिज। कई बार जब रीडिंग नहीं आती या ऐसा वर्ड होता है जिसको आपको पहली बार देखते हैं या उसमें आपको कोई आइडिया नहीं होता कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो बहुत बार दिक्कत होती है। सो यहाँ पर छोटी मोटी बातों पे आपको ध्यान देना है, जिससे आपकी इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ इंग्लिश का जो हिंदी और बात करते हैं वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। देयर वॉज अ ब्रिज, एक पुल था। ब्रिज यानि पुल। ओके, ऑन इट, ऑन इट मतलब इस पर, ऑन इट इस पर, इस पर मतलब नदी पर एक पुल था। द ब्रिज वॉज वेरी नैरो, द ब्रिज यानी वो ब्रिज, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ब्रिज, वो पुल वॉज था वेरी नैरो। नैरो मतलब संकीर्ण या सकरा, सकरा है ना, वो पुल बहुत सकरा था। ओके, यानी ज़्यादा चौड़ा नहीं था, तो हम बोलते हैं नैरो, बोलते हैं सकरे को, इंग्लिश में नैरो कहते हैं, नैरो। ओनली वन एनिमल कुड पास ओवर इट, मतलब सिर्फ एक एनिमल पास कर सकता था, यानी गुजर सकता था वहाँ से, उस पुल के ऊपर से, ओवर इट यानी इस पर, इस पर से एक ही एनिमल एक बार में पास कर सकता था। बहुत सकरी थी, है ना, बहुत पतली थी। एट अ टाइम, एट अ टाइम मतलब एक बार में, या एक बार, एट अ टाइम एक बार, एक बार में एक ही एनिमल पार कर सकता था उससे। वन डे, एक दिन, अ गॉट केम, एक बकरी आई, टू द ब्रिज, उस ब्रिज पर, ठीक है, उस ब्रिज पर जो है एक बकरी आई। उसी टाइम पे दूसरी भी गोट आ गई, राइट, अनदर गोट यानी दूसरी बकरी, केम ऑन द अपोजिट साइड, यानी विपरीत साइड से, दूसरी तरफ से, विपरीत तरफ से एक और बकरी आई। ईच वॉन्टेड, हर एक चाहती थी, ईच यानि हर एक, वॉन्टेड चाहती थी, टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करना, नदी को पार करना। दे मेट, वे मिली, या वे मिले, दे मेट, वे मिले। इन द मिडिल, कहाँ मिले, इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज, मिडिल मतलब मध्य में, उस ब्रिज के मध्य में, इन यानि में, ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के, पुल के, पुल के मध्य में, बीच में मिले। वन गॉट सैड, एक बकरी ने कहा, आई विल गो फर्स्ट, मैं पहले जाऊंगी, विल गो, विल मतलब गागी गे, फ्यूचर को बताते हैं, राइट, कि हम ये काम करेंगे। गो फर्स्ट, तो पहले मैं जाऊंगी। द सेकंड गॉट यानि दूसरी बकरी ने कहा, सैड यानि कहा, नो, नहीं, नहीं, आई विल गो फर्स्ट, मैं पहले जाऊंगी। दे क्वारल्ड, वे आपस में झगड़ा कर दी, दे क्वारल्ड, इसको पढ़ेंगे क्वारल्ड, क्वारल मतलब होता है झगड़ा करना, तो वे झगड़ा कर दी, ठीक है। विथ ईच अदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे
के साथ, विथ यानी साथ, एक दूसरे के साथ वो क्वारल कर दी, झगड़ा कर दी। दे फेल इन टू द रिवर, और झगड़ा करने से उनका बैलेंस बिगड़ गया एंड दे फेल। फेल क्या है? एक्चुअली जो फेल है वो फॉल का सेकंड फॉर्म है। दे फेल, वे गिर गई, फॉल मतलब गिरना, फेल मतलब गिर गई या गिर गया, तो वे गिर गई इन टू द रिवर। इन टू मतलब में, रिवर में, नदी में गिर गई। बोथ द गॉड्स डाइड, बोथ द गॉड्स डाइड, डाइड यानी मर जाना, ओके, या मृत्यु हो जाना, तो दोनों ही बकरी मर गई, ओके, बोथ यानी दोनों। तो इस तरह से दोनों बकरियां मर गईं। यदि वो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग की होती, मूर्खता ना की होती, तो शायद दोनों बच जाती। इस तरह से कई बार हमारी लाइफ में होता है कि हम ज़िद्दी हो जाते हैं और ज़िद्द के चक्कर में हम बहुत बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है, इसकी शिक्षा है मोरल, ठीक है, इसका मोरल है यानी शिक्षा है इस स्टोरी का, फॉली लीड्स टू रुइन। फॉली मतलब होता है मूर्खता, लीड्स आने होता है नेतृत्व करना या कहीं ले जाना। तो जो मूर्खता है वो हमें कहाँ ले जाती है? टू रुइन। रुइन मतलब होता है बर्बादी, ठीक है, रुइन मतलब बर्बादी, बर्बादी की ओर। टू रुइन हमें बर्बाद की ओर ले जाती है हमारी मूर्खता, ओके। सो फॉली लीड्स टू रुइन, ऐसा कहा जाता है। तो ध्यान रखें, ये छोटी सी स्टोरी बहुत बड़ी सीख देती है लाइफ की। सो गाइस, यदि आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक करना मत भूलिएगा और अपनी राय कमेंट भी करिएगा, ओके गाइस। सो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए, स्टोरी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।